अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने कहा कल की वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी दिखाऊंगा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर सीनियर्स किस तरह की रिगिंग करते सीनियर्स पे, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एयर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी दिखाऊँगा कि अच्छा तो भाई अब हम अपने बैग में जो सामान है जो मतलब अपने साथ लेना पड़ता है तो हम अभी बैग से निकालेंगे और अपने वॉलेट को मतलब अपने पॉकेट में रखेंगे और जो मतलब स्टडीज़ की जो बुक्स वगैरह जो होंगे वो निकालेंगे। और आपने जैसा देखा केबल मैंने चार्जर का केबल मैंने उठा लिया है ना, तो मैं असल में मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो इस वजह से लाइब्रेरी जाके हम फ़ोन भी चार्ज कर लेंगे और ये बैग हम यहाँ रखेंगे। ये बैग ये लाइब्रेरी के बाहर रखना होगा इस बैग को, क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी का जो मतलब कि एयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी परमिशन नहीं दी थी कि अंदर हम बैग्स अंदर करें, और इसी वजह से हम बैग हमने अंदर रख दिया। और अभी हम जाएंगे ऊपर, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे क्योंकि 2 घंटे का ब्रेक है, मतलब पीरियड्स वगैरह नहीं है, 2 घंटे के बाद होंगे। तो हम अभी ऊपर जाएंगे और शेट, मैं तो अपना रजिस्टर भूल आया, अभी अपना रजिस्टर मैं उठाऊंगा। और मतलब स्टडी भी तो करनी है ना, हम तो यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए आते हैं ना भाई। ओ भाई समझा करो भाई, तो इसी वजह से अपने बैग उठाएंगे फिर दोबारा से और इसका जेब खोलेंगे जिस तरह आपको पता है। और इसमें से अपना जो रजिस्टर जिसमें हमने होमवर्क और क्लास वर्क किया है तो उसे देखेंगे इस 2 घंटों में, तो कुछ याद भी करेंगे और पढ़ाई यार ज़िंदगी के लिए और फ्यूचर के लिए यार तो करना पड़ेगा भाई, पढ़ाई के बगैर तो कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो ही ज़ीरो, मतलब नो ग्रेविटी तो भाई अब हम ऊपर आ गए ऐसे ही है। और यहाँ पर जो मतलब स्टूडेंट बैठते हैं यहाँ पर, तो या मेडिकल के बैठते हैं या मैकेनिकल स्टूडेंट बैठते हैं ना इंजीनियरिंग वाले, तो यहाँ पर लाइब्रेरी में मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर जो कंप्यूटर लगे होंगे आप देख रहे हैं अभी, तो इसमें मतलब हम अपने आईडी को ओपन करेंगे सही है। तो मैं अभी लॉगिन करूंगा सही है और यार पासवर्ड दूंगा अभी कि क्या होता है ना, इस वजह से यार हमारा तो यहाँ पर दूसरा तीसरा दिन है तो शायद ना खुल पाए वो, इसी वजह से कि आईटी वालों क्या इसमें नहीं गया था वो, इसलिए कि यार टाइम नहीं था। तो फिर कल फिर बात कर लेंगे कि यार मेरा अकाउंट नहीं खुला या शायद इस सिस्टम में कोई एरर वगैरह हो, तो खैर यार देख लेंगे भाई। लैगिंग हो रही है भाई, सेकंड ईयर वाले अच्छी से अच्छी